मेरा बेड लग गया, एक बार मैं लेट के देखती हूँ कैसा फील आता है। माँ कितना मस्त है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जंपिंग जंपिंग वाली फील आ रही है। तो अभी है ना मम्मी पापा का रूम पूरी तरह से रेडी हो गया है, वहाँ पे है ना बेडशीट वगैरह सब लग गए, सब कुछ हो गया। आओ मैं आपको मम्मी पापा का रूम दिखाती हूँ। आर यू रेडी? अभी बारी है मेरे रूम की, क्या आप रेडी हो? आ जाओ। ये नया घर तेरे को कैसे लग रहा? देख ये तेरे लिए सोफा काउच है, यहाँ पे सामने टीवी रहेंगी तेरे लिए, मस्त तू तो सोफे पे लेट के टीवी देखने का है ना, मजा आएगा ना देखा। इसका नहीं का नोबिता का फ्रिज भरा रहता है, उसके अंदर सब खाने करता, वैसे अपना बड़ा फ्रिज हमेशा तेरे लिए भरा रहेगा, ठीक है? चॉकलेट वगैरह सब रहेगा उसमें, आइसक्रीम। खुश है ना तू अभी? ठीक है चलो साफ सफाई कर लेते चलो। यार मम्मी पापा की रूम देखो ना कितनी मस्त लग रही है, मेरे को बहुत जेलस फील हो रहा है, मेरे को ये रूम चाहिए। चलो लग जाओ सब लोग काम पर, दो कोई झाड़ू दो मेरे को, बाहर के सीढ़ियां झाड़ ले पहले चलो। देखो मैंने पूरे स्टेयर के झाड़ लिए, देखो नीचे पूरा नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक। ये देखो नहीं हमारे डोर्स कितने गंदे लग रहे हैं, पहले इनको साफ करना पड़ेगा ना। अरे वो साफ हो जाएंगे, ये उसके ऊपर ये है ना पॉलीथिन है, ये क्या है? अच्छा हाँ। मैं सोचूं इतने गंदे क्यों लग रहे हैं। मम्मी पापा की रूम भी हमने धो ली है, और ये जो कवर है ना इसको भी अच्छे से पोंछ लिया है कपड़े से, दरवाजे भी कपड़े से पोंछ लिए, हॉल भी साफ हो गया है। अब देखो मस्त लग रहा है ना हॉल, देखो छोटे छोटे फैंस आ गए। पहले हम बेडशीट वगैरह लाएंगे, फिर बाद में क्रॉकरी का सामान, लेट्स गो। तो हम अभी आ गए हैं सजावट में, यहाँ से हम बेडशीट वगैरह सब ले लेंगे। डेकोर के देखो कितने सारे बेडशीट हैं यहाँ पर, जो दिखाएंगे तुम वो ले लेंगे आज हम। अच्छा ये देखो ना पापा ये तकिया कितने मस्त है अपने सोफे के ऊपर। देखो ये ऐसे बेडशीट लेने का, ऐसे रेड कलर का। जब पूरा अपना घर अच्छे से साफ हो जाएगा ना तब लो तुम, अभी वो सीमेंट 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 ही। प्लेन व्हाइट सीधे सीधे देखो। हाँ और डिब्बू के रूम के लिए? हाँ मेरे उसके रूम के लिए भी प्लेन व्हाइट। कैसा लग रहा? ये अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा नहीं है? हाँ सॉफ्ट भी है। देखो आप लोग कमेंट में बताओ आपको कैसा लग रहा है। तो ये है ना पापा ने सोफे के बैक के लिए डिसाइड किया, और सोफे के नीचे वाला ये वाला। ठीक है ये रजाई गरम भी हो जाती है, ये पापा ने ना ये डिसाइड किया ये वाली रजाई लेंगे। देखो ये पूरा सामान मिला के बिल हुआ है 12,598 रुपीज। चलो यार बहुत भूख लगी, हम दोपहर को 2 बजे से मतलब इधर उधर जा रहे हैं, जो जो सामान लाना था वो सब ला रहे हैं, और अब भी देखो अभी बज रहे 7:30, तो भूख तो लगेगी ना। आओ आप भी खाओ मेरे साथ पानी पूरी। ये लो अभी खाओ मेरे साथ। वो जो खतरों के खिलाड़ी में लड़कियां नहीं बनाती क्या, वैसी वाली? अच्छा वैसी वाली। तो देखो मम्मी ने ये हेयर स्टाइल बनाई है, इतना परफेक्ट नहीं आई है मम्मी को, लेकिन मम्मी ने ट्राई की है। बताओ आप कमेंट पे कैसी लग रही है? सामने से देखा वो खतरों के खिलाड़ी में गर्ल्स होती है, वो ऐसी हेयर स्टाइल करती है ना, वैसी ट्राई की है मम्मी ने। तो हेयर स्पा करने से है ना मम्मी के बाल देखो कितने अच्छे हो गए, और मम्मी कैसी दिख रही है बताओ? ऐसी लग रही है नई नवेली दुल्हन, वो देखो चूड़ियां वगैरह हाथ में, नई नई चूड़ियां है ना पापा? लाओ देखो तो। और आपने देखा नहीं इतनी देर से मम्मी को, आप क्या देख रहे हो फिर? फिलहाल तो आगे देख रहा मैं, गाड़ियां बहुत सारे, ट्रैफिक ज्यादा है। मम्मी के चक्कर में ठोक देंगे। नहीं 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 ठोकेगी। आप बताओ कमेंट में मम्मी अच्छी दिख रही है ना? क्या नाम है अपना? यादव। परस में रख, परस में, तुम्हारे परस में रख बेटा, परस में रख, परस में, पैसे में रखना, पैसे में रखो, पैसा बाहर निकालो, निकालो पैसा बाहर, बाहर निकालो, वो बाहर निकालो। तुम्हारे नाम से लेके आ रही बेटा दिवाली का नारा लेके क्या दीदी? बाय बाय।
इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, किसी को पैसे नहीं देते ना, उनका एक रुपया बहुत लकी रहता है, जिसको दिया उसकी किस्मत खुल जाती है। अरे बाप रे, ऐसा ही होना चाहिए फिर। तो जल्दी से हीरोइन बन जाएंगी। ये देखो रिलायंस मॉल आ गया। खुल जा। देखो दिवाली के लिए कितना सारा सामान आया है यहाँ पे, कपड़े वगैरह सब। देखो इन सब लगी वैसे है ना, मुझे ये वाली दो अच्छी लगी है, ये पिंक वाली और ये ब्लू वाली। खा देखो, अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट में बताओ आपको कैसा लग रहा है। ये चिकू के लिए, ये पीछे का, ये आगे का है, क्यूट है ना। दिवाली चिकू बेबी के लिए, दिवाली का मस्त। दिवाली में जेंटलमैन बनेगा चिकू बेबी। वैसे भी वो जेंटलमैन वाले देखो ना, कितने स्वीट है, कितने मस्त है। लड़के होती तो हमें ना वही वाले कपड़े लेते। हाँ, क्यूट है। ये वाला देखो एकदम प्रिंसेस। तो चाहिए क्या फिर लड़की? हाँ हमको चाहिए, मेरे को चाहिए। कृष्णा को भाई हो गया, मेरे को बहन चाहिए ना, क्या बोलते हो आप? तो हो गई मेरी शॉपिंग। तो मैंने ना 3-4 लेगिंग्स लिए, तो घर पे जाने के बाद में वो मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी। आइसक्रीम ले रहे हो? इधर रुक गए पापा ये देख के। मुझे चॉकलेट, मुझे भी चॉकलेट। ये आ गया मेरा चॉकलेट, आप ही खाओ। चिकू बेबी के लिए डायपर लिया है, ये बाय वन गेट वन फ्री है। ये क्या हो गई, पूरा प्रोविजन का सामान ही भर ले रही है तू इधर से। मैंने उठा के लेके जाने वाला। फिर कौन लेके जाएगा? आओ इधर पप्पू, बहुत सस्ता है, इधर आओ। ये वाला देखो, ये देखो 109 रुपए में 3 पैक। पप्पा जो जरूरी है ना यार वो लो। जरूरी बर्तन घसने का जरूरी, आप बैठो बोला जाके उधर। बड़ा वाला ले रही हूँ, पापा की जरूरत की चीज है तो पापा कुछ नहीं बोलोगे है ना। तो मम्मी यहाँ पे ले रही है अभी को टर्मरिक की फेस क्रीम। ये रहा डाउ का शैम्पू। बस चलते क्या अभी? अभी तो कुछ भी नहीं लिया। नहीं कुछ भी नहीं है पापा, इसलिए मैं आपको लाती नहीं किधर साथ में, लेने नहीं देते। हाँ मामा आएगा तो कार्ड आप सब ले लेंगे हम, एटीएम कार्ड आपका। हाँ एटीएम कार्ड मेरा, और शॉपिंग करने के लिए तेरा भाई लेके आएगा। वाह वाह। ये पापा के लिए चप्पल ले रहे हैं, ये 10 नंबर की चप्पल लगती है। ले लो जो तुमको अच्छी लगती है, ये ब्लैक वाली ले लो। चप्पल की दुकान खोल ली है, मैं 3 चप्पल ली है। क्या हुआ? लाइफ में कुछ अच्छा होना हो लेकिन नींद अच्छी होनी चाहिए, इसलिए तकिया अच्छी ली हो। पापा को देखो, पापा कितने बोर हो गए। क्या क्या, चलो आप ट्रॉली भर गए, आप सीधे सीधे घर चलो। अरे घर पे यहाँ पे लोग आने वाले काम करने के लिए, उनको काम बताने का है, तुम यहाँ टाइम पास करते बैठे, मेरे को क्यों लेके आए? ठीक है चलो, बस हो गया बाद में। फाइनली हो गया शॉपिंग, अभी हम जा रहे हैं हमारे न्यू घर। पापा जरा धीरे, कुत्ता भी थोड़ी है, डालो फटाफट। ये ट्रॉली उधर छोड़ के आने का, अपना काम होगा उधर से, डायरेक्ट फेंकने देने का, जाओ उधर छोड़। तो ये देखो, ये रही मम्मी पापा के रूम की मैट्रेस, कितनी बड़ी है ये। और मम्मी देखो यहाँ पे साफ सफाई कर दी। हो गया, डाल ले लो ना मैट्रेस। रुको जरा सा, साफ सफाई हो गई। वो सबसे पहले मेरे रूम की मैट्रेस। तेरा बेड लग गया? हाँ देखो मैट्रेस आ गई आज, मेरा बेड लग गया। एक बार मैं लेट के देखती हूँ कैसा फील आता है। मैं
बार या दो बार पोछा लगाया मैंने। अभी मैंने अपना बेडशीट डाल दूँ, देखो ये वाला डिसाइड किया था हमने बेडशीट वाइट कलर का। मम्मी पापा का रूम पूरी तरह से रेडी हो गया है, वहाँ पे है ना बेडशीट वगैरह सब लग गए, सब कुछ हो गया। आओ मैं आपको मम्मी पापा का रूम दिखाती हूँ। आर यू रेडी? लेट्स गो। कैसा लगा? अभी इतना डेकोरेशन नहीं किया है, लेकिन जितना भी हुआ है ना उतना मैंने आपको दिखा दिया है। बताओ कमेंट पे कैसा लग रहा है मम्मी पापा का रूम। अभी बारी है मेरे रूम की, क्या आप रेडी हो? आ जाओ। ये देखो, ये रही मेरी रूम। देखो अभी तक है ना कुछ भी डेकोरेशन कुछ भी नहीं हुआ है। कबर्ड में है ना अभी कपड़े भी नहीं लाए मैंने, कुछ भी नहीं लाया है। देखो खाली है पूरा कबर्ड, बस है ना ये मैट्रेस ये आ गया, गद्दा वद्दा सब, इसीलिए ये डाल के फिर आपको दिखा रही हूँ मैं रूम। बताओ कैसी लग रही है मेरी रूम आपको? ऑफ कोर्स यार मम्मी पापा की रूम ही अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे रूम के ना कलर के बारे में हम सोचेंगे, डिसाइड करूंगी मैं, दूसरा कलर चेंज करेंगे हम। तो अब आओ आपको है ना मैं मेरा किचन दिखाती हूँ। किचन में देखो कुछ भी सामान नहीं है, बस ये है ना फ्रिज है और ये है हमारा गैस स्टोव और ये रहा मेरा हॉल। तो अब हो गया है ये फुल्ली फर्निश घर। तो अभी है ना इसमें डेकोरेशन का सामान लाना बाकी है, किचन का सामान लाना बाकी है, बहुत सारी शॉपिंग करना बाकी है। तो बताओ आपको मेरा रूम, मम्मी का रूम, हॉल, किचन कैसा लगा कमेंट करके। तो बाकी किचन की ग्रोसरी या फिर क्रॉकरी का शॉपिंग का व्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, तो उसका भी व्लॉग आ जाएगा। और आप बताओ मेरी बालकनी अभी कैसी लग रही है? देखो दिख रही है आपको मेरी पूरी बालकनी? बताओ कमेंट करके बालकनी, यार एकदम आलिशान वाला फील आ रहा है बालकनी से। सो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और हाँ अभी है ना नेक्स्ट व्लॉग में मैं जाने वाली हूँ किचन के क्रॉकरीज की शॉपिंग करने के लिए, और भी बहुत सारी शॉपिंग करना बाकी है किचन के लिए, वो करने के लिए हम जाने वाले। तो अभी क्या हुआ कि है ना अभी हमें लगा कि हम यहीं पे रुकने वाले हैं, यहीं पे मस्त अभी मैट्रेस वगैरह भी आ गया तो हम इधर ही रुकेंगे, लेकिन पापा का फ़ोन आया था और पापा ने कहा है कि हमें वापस पुराने वाले घर पे चलना है। तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हमें वापस पुराने वाले घर पे चलना है, इतना भी अच्छा हो गया है, मैट्रेस भी आ गया, हम सो सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं अभी पापा आने के बाद में बात करेंगे, और आपको तो नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसके आगे और शॉपिंग के व्लॉग्स आने वाले हैं। और हाँ जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक एंड डिस्क्रिप्शन फटाफट फॉलो कर लो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, लव यू ऑल।